Hello guys, welcome to my channel Magical Guru. In this video, we are going to discuss our new topic, the dissociation of sensibility by T.S. Eliot. So let's get started. The Frontiers of Criticism ये एक lecture है जिसे T.S. Eliot ने 1956 में University of Minnesota में deliver किया था और ये ओन पोएट्री एंड पोइट्स जो एलियट के क्रिटिकल एसेज की कलेक्शन है उसमें 1957 में दोबारा प्रिंट हुआ था. इस एसे में T.S. Eliot लिटरेरी क्रिटिसिज्म की लिमिट्स और यू कैन से बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं कि लिटरेरी क्रिटिक को क्या कहना, क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए. इस एसे में उन्होंने टू लिटरेरी टर्म्स का यूज किया है. फर्स्ट है द डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड द सेकेंड इज द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. ये जो लिटरेरी टर्म है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये T.S. Eliot के ऐसे द मेटाफिजिकल पोइट में यूज हुई. और जो सेकेंड लिटरेरी टर्म है द ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये T.S. Eliot के हेमलेट ऐसे में यूज हुई. डिसोसिएशन का मीनिंग होता है स्प्लिट करना या सेपरेट करना. सेंसिबिलिटी का मतलब होता है इमोशनल और मॉरल फीलिंग्स. इस थ्योरी में एलियट ने डिफरेंट राइटिंग स्टाइल के बारे में बताया है. वो कहते हैं कि जो मेटाफिजिकल पोएट है वो अपने थॉट्स फीलिंग के थ्रू एक्सप्रेस करते थे, मतलब कि वो अपनी राइटिंग में थॉट्स एंड फीलिंग्स दोनों का यूज करते थे. लेकिन जो बाद में पोइट आए उन्होंने थॉट्स और फीलिंग को अलग कर दिया, मतलब कि डिसोसिएशन कर दिया. 17th सेंचुरी तक के पोइट्स यूनिफाइड सेंसिबिलिटी का यूज करते थे, लेकिन उसके बाद थॉट्स और फीलिंग्स को सेपरेट किया जाने लगा. इसके बाद एक पीरियड आया जब इन्वेंशंस ज़्यादा होने लगी. इन्वेंशन की वजह से साइंस पर फोकस होने लगा. तब पोइट सिर्फ थॉट को अपनी पोइट्री में यूज करने लगे. रोमांटिक पीरियड में पोइट्री में सिर्फ फीलिंग्स को यूज करने लगे. लेकिन 19th सेंचुरी के बाद थॉट्स और फीलिंग का कन्फ्यूजन हो रहा था, जिसको T.S. Eliot ने रूमिनेशन कहा. एलियट के अकॉर्डिंग 17th सेंचुरी में डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी हो गया था और रिकवरी नहीं हुई है, मतलब कि थॉट्स एंड फीलिंग्स एक साथ यूज नहीं हुए हैं. उनका कहना है कि लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन फीलिंग्स है लेटर पोइट्स में वो ज़्यादा क्रूड हो गई है. एलियट ने जॉनडन की पोइट्री का एग्जाम्पल लिया और कहा कि जॉनडन की पोइट्री एग्जाम्पल है यूनाइटेड सेंसिबिलिटी और थॉट्स का, मतलब कि जॉनडन की पोइट्री में फीलिंग्स भी है और थॉट्स भी हैं. फीलिंग्स एंड थॉट्स सेपरेट नहीं हैं बल्कि यूनाइटेड हैं. इससे ये पता चलता है कि जॉनडन फीलिंग्स और थॉट्स दोनों को साथ लेकर ही पोइट्री लिखते थे. T.S. Eliot ने जॉनडन की पोइट्री को अप्रिशिएट किया है और कहा है कि जो डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी है वो पोइट्री की प्रोग्रेशन में एक ऑब्स्टेकल है, मीन्स पोइट्री की प्रोग्रेशन में एक रुकावट का काम कर रही है. एलियट ने कहा कि थॉट्स और फीलिंग का जो सेपरेशन है वो मिल्टन एंड ड्राइडन की वजह से हुआ है. बाद में वो रिकॉग्नाइज करते हैं जो प्रोसेस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. तो उनके सेकेंड ऐसे में वो कहते हैं कि मैंने जो भी मिल्टन एंड ड्राइडन को कहा वो मेरी गलती है. उन्होंने कहा कि जो स्प्लिट है या सेपरेशन हुआ है फीलिंग्स एंड थॉट्स में, उसके कारण हमें सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं यूरोप में भी ढूंढने चाहिए. क्रिटिक्स कहते हैं कि हमें अपने फीलिंग्स को देखते हुए लिखना चाहिए, बट एलियट फील्स फीलिंग्स अकेले कुछ नहीं कर सकती, हमें नर्वस सिस्टम सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर भी ध्यान देना चाहिए. दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. सो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़. बाय बाय.